हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दो अलग अलग जानवर एक दूसरे के करीब आ जाएं, बहुत करीब आ जाएं, तो उनके बच्चे कैसे पैदा होंगे। जी हाँ, सोचिए किसी चिकन को कबूतर से इश्क हो जाए तो कैसे होगा उनका बच्चा। कभी शेर और बाघ आपस में मिल जाए तो उनके बच्चे की क्या आदत होगी और कैसे वो रिएक्ट करेंगे, आज हम आपको बताएंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। दोस्तों, वीडियो की करें शुरुआत, उससे ठीक पहले आपसे है एक सवाल। जी हाँ, ये कुत्ते बिल्ली जो कि एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या हो जब इनके बीच प्यार हो जाए और ये बच्चे भी पैदा कर लें, इनके बच्चे कैसे दिखेंगे। सोचिए कि अगर कोई कुत्ता सुअर के साथ संबंध बना ले तो क्या बच्चा कुत्ते की तरह दिखेगा या सुअर की तरह, बड़ा सवाल है। इमेजिन आप कीजिए चिकन। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कैसे पक्षी के बारे में, जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, इसे आप चिगन भी कहते हैं। इसे देखिए और आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह का पक्षी है। ये देखने में यकीनन आपको बहुत ही अजीब से लग रहे होंगे, लेकिन ये होते स्मार्ट हैं। दोस्तों, ये बने हैं चिकन और कबूतर के मिलन से। जी हाँ, जब इन दोनों पक्षियों को मिलाया गया तब जाकर ये चिकन होते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि इनके दिमाग बहुत तेज होते हैं, लेकिन ये शरीरी रूप से बहुत सुस्त होती हैं। दोस्तों, साथ ही इन्हें देखने के बाद कोई भी डर जाए। इन्हें इसलिए पैदा किया गया था ताकि साइंटिस्ट ये जानना चाहते थे कि क्या वाकई में इस पक्षी का इस्तेमाल हम आगे कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन ये रिजल्ट मन मुताबिक नहीं आया, इनका जीन्स ठीक से नहीं मिल सका। वाकई में ये बहुत ही अलग किस्म का हाइब्रिड था। आपको इसके बारे में क्या लगता है, आप में कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये चिगन सबसे अजीबोगरीब हाइब्रिड है। लाइगर। दोस्तों, लाइगर जानवर को पहले आप देख लीजिए, ये कितना बड़ा और कितना खतरनाक दिखता है। ये हाइब्रिड है मेल लायन और फीमेल टाइगर का। यानी लाइगर दुनिया के दो सबसे खतरनाक जानवरों के क्रॉस ब्रीड के बाद बने हैं। ये कैट प्रजाति के सबसे बड़े जानवर होते हैं, जो कि लायन और टाइगर दोनों की हाइट इनमें होती है। साथ ही इनमें दोनों जानवरों के नेचर ही मिलते हैं। जैसे कि ये स्विमिंग करना बहुत पसंद करते हैं बाघ की तरह, तो वहीं इसका सोशल बिहेवियर बिल्कुल ही लायन की तरह होता है। आज भी आप इस जानवर को देख सकते हैं और ज्यादातर ये पाए जाते हैं साउथ अमेरिका के देशों में। हालांकि एक समय था जब इनके बारे में कहा जा रहा था कि ये पूरी तरह से दुनिया से खत्म हो चुके हैं, लेकिन इस थियरी को गलत साबित किया 1953 में, जब अमेरिका के घने जंगल में एक बार लाइगर दिखा था। आज भी अमेरिका के मायामी में हरक्यूलस नामक इस लाइगर को देखा जा सकता है, जो कि 410 किलोग्राम का है और बहुत खतरनाक है। इसके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है दुनिया का सबसे बड़ा कैट प्रजाति होने का। दोस्तों, कई लोगों का कहना था कि लाइगर ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन आपको बता दूं कि ये लाइगर पूरी तरह से स्वस्थ है और अपनी पूरी जिंदगी जीने के लिए भी तैयार है। पिक्स विथ ह्यूमन ब्लड। दोस्तों, अब ये भी देखिए, अमेरिका की ही एक लेबोरेटरी में सुअर के सेल में इंसानों के सेल्स को मिक्स करने का सफल प्रयास किया गया। जी हाँ दोस्तों, हुआ ये कि कुछ सेल्स आपस में मिलकर बिल्कुल अलग ही तरह के सेल्स बन गए और कुछ सेपरेट हो गए। जब सुअर का बच्चा पैदा हुआ तो ये बाहर से तो बिल्कुल ही एक सुअर की तरह दिखता था, लेकिन अंदर से इसका हाफ बॉडी इंसानों वाला है। कहा जाता है कि साइंटिस्ट ये देखना चाहते थे कि क्या ह्यूमन सेल्स को किसी जानवर के साथ मिक्स किया जा सकता है कि नहीं। ये सुअर जिसमें इंसानों का सेल्स है, ये दूसरे सुअर के मुकाबले ज्यादा एक्टिव और एग्रेसिव है। साथ ही इनमें ये भी नोट किया गया कि किसी भी बीमारी के खिलाफ इनके बॉडी में कहीं तेजी से और स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडी बनती है। दोस्तों, इनका ब्लड सैंपल दुनिया में सबसे अलग और अनूठा है। दोस्तों, आप बस बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे हम आपको एक से बढ़कर एक हाइब्रिड जानवर दिखाने वाले हैं। डॉल्फिन। दोस्तों, ये बने हैं डॉल्फिन और व्हेल्स के कॉम्बिनेशन से। जी हाँ, इनके बारे में दुनिया को तब पता चला था जब एक बार इंग्लैंड के लिवरपूल सिटी के एक जू में इन्हें देखा गया। कहा जाता है कि ये भी बड़े एक्टिव होते हैं, हालांकि ये इंसानों के लिए डॉल्फिन की तरह बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं होते। इनसे बचकर रहना पड़ता है, अगर इन्हें गुस्सा आ गया तो ये इंसानों पर कई बार हमला करने की भी कोशिश करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बार तो इन्होंने अपने केयर टेकर के ऊपर ही हमला कर दिया था। दोस्तों, टेक्निकली ये डॉल्फिन ही होते हैं, लेकिन इनमें बहुत सारी आदतें व्हेल्स की भी आ जाती हैं। कई लोगों का ये भी मानना है कि इस तरह एक क्रॉस ब्रीड डॉल्फिन और भी हैं दुनिया में, लेकिन आज तक इनके अलावा कोई और प्रमाण नहीं मिला है। ये देखिए ना, कैसे ये पानी में गोते लगा रहे हैं। ये देखिए कैसे ये फुल ऑन मस्ती कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो अभी ये अच्छे मूड में हैं। इन्हें देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग आते हैं। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि हमारी टीम बहुत मेहनत करती है आपके लिए। हम रोज ही वीडियो बनाते हैं और आपका प्यार भी हमें खूब मिलता है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को भी आप पसंद करेंगे और लाइक के रूप में खूब प्यार देंगे। ब्लड पैरेट सिकलिड। दोस्तों, ताइवान में 1986 में मिडास सिकलिड और रेड सिकलिड को मिलाकर एक ब्रीड बनाया गया। हालांकि इसको लेकर बहुत आलोचना भी की गई। आपको बता दूं कि इनके मिक्स ब्रीड से पैदा हुई मछली दिखने में तो बहुत खूबसूरत लगती थी, बहुत कलरफुल थी, लेकिन उसका मुंह बहुत छोटा था, जिसकी वजह से उसे खाना खाने में बहुत दिक्कत होती थी। वैसे तो इनका कलर येलो होता है, लेकिन ये ऑरेंज और रेड कलर के भी हो सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस मिक्स्ड ब्रीड की मादा ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहती, जबकि मेल का लाइफ साइकिल बिल्कुल नॉर्मल होता है। दोस्तों, आप हमें इस वीडियो पर अपनी राय कमेंट के जरिए दे सकते हैं। कैम्स। दोस्तों, इनकी ब्रीडिंग का काम दुबई में शुरू हुआ था, जिसमें मेल कैमल के स्पर्म को लामा के अंदर इंजेक्ट किया गया।
इस प्रोसेस के पीछे मकसद ये था कि लामा से पैदा होने वाले बच्चे को कैमल की तरह ही ताकतवर माना जा रहा था। हालांकि एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हो सका, इसकी वजह थी दोनों की अलग अलग नेचर बॉडी रिएक्शन। लेकिन साइंटिस्ट ने इसे आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करा के कैम्स पैदा किया। आज दोस्तों दुनिया में 6 कैम्स हैं जिनकी देखभाल दुबई में ही होती है। लेकिन इसमें ही परेशानी यह है कि जिस पर्पस से इन्हें क्रॉस ब्रीडिंग कराया गया था वो अब तक अचीव नहीं हो पाया है और कई बार कैम्स की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। साइंटिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये भी कैमल की तरह मजबूत जानवर होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब लामा और कैमल के बीच क्रॉस ब्रीडिंग पूरी तरह से बंद हो चुकी है। दोस्तों आप बस बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे हम आपको एक से बढ़कर एक हाइब्रिड जानवर दिखाने वाले हैं, द ह्यूमन चिंपैंजी हाइब्रिड। दोस्तों 1967 में चीन के दो साइंटिस्ट ने सबसे बड़ा क्रॉस ब्रीड करने की कोशिश की। दोस्तों आप बता दूं कि ये दोनों चाइना के साइंटिस्ट चिंपैंजी और इंसान को मिलाकर ह्यूमैंजी बनाने की कोशिश कर रहे थे। इनका दावा था कि ये काफी हद तक सफल भी हो गए थे, लेकिन फिर कुछ ऐसी घटना हुई जो उनके कंट्रोल से बाहर का था। इन्होंने मेल इंसान के स्पर्म को फीमेल चिंपैंजी में डाल दिया था। चिंपैंजी भी 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। दोस्तों इनका इरादा था कि अगर ये सक्सेसफुल हुए तो जो बच्चा इंसान और चिंपैंजी के मिक्स से पैदा होगा उसका ब्रेन नॉर्मल चिंपैंजी से कहीं ज्यादा शार्प होता, उसका मुंह बड़ा हो सकता था। चीन के साइंटिस्ट से इसे लेकर बहुत एक्साइटेड भी थे। वो चाहते थे कि अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ तो ये मिक्स ब्रीड को नौकर बनाकर रखना चाहते थे। वो चाहते थे कि ह्यूमैंजी को वो ड्राइवर की तरह इस्तेमाल करते, उन्हें ट्रेनिंग देकर घर का काम कराया जाता और साथ ही जरूरत पड़ने पर इसे स्पेस रिसर्च के लिए भी इस्तेमाल किया जाता। लेकिन दोस्तों चीन के एक समुदाय को जब इस खबर की भनक लगी तो उन्होंने पूरा का पूरा लैब जला दिया और उसी में वो प्रेग्नेंट चिंपैंजी की मौत हो गई। दोस्तों हालांकि एक बार फिर से कोशिश की गई थी 1970 में, लेकिन फिर प्रेशर की वजह से प्रोजेक्ट को बीच में ही खत्म करना पड़ा। द रैट मैन ग्रोन। दोस्तों पहली बार इंसान के क्रॉस ब्रीडिंग से कोई और जानवर सक्सेसफुली 2003 में पैदा हो सका था। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले कई बार अमेरिकन साइंटिस्ट ने कोशिश की, कई बार ब्रिटेन के साइंटिस्ट ने कोशिश की, लेकिन किसी को सफलता हाथ नहीं लगी। दोस्तों 2003 में चीन के साइंटिस्ट ने बड़ी सफलता उस समय हासिल कर ली जब उन्होंने इंसान और चूहे का मिक्स ब्रीड तैयार कर लिया। जी हाँ दोस्तों, ये बात किसी को पता नहीं थी जब तक कि रिजल्ट नहीं आ गया। दोस्तों इस ब्रीड में हालांकि ज्यादातर सेल्स इंसानों के ही थे और कुछ ही पोर्शन चूहे का था, तो लॉजिकली इसे साइंस इंसानों का ही बच्चा कहने लगा। लेकिन दोस्तों चीन के साइंटिस्ट ने न जाने क्या सोचा, पैदा होने के महज 3 दिन बाद ही इस बच्चे को मार दिया गया। आज तक इस बात की किसी को भी जानकारी नहीं है कि चीनी साइंटिस्ट ने आखिर 3 दिन के बाद ही क्रॉस ब्रीडिंग वाले जीव को मार क्यों दिया। ज़ेब्रोइड। दोस्तों ये क्रॉस ब्रीड है मेल ज़ेब्रा और फीमेल एक्यूएट के बीच का। दोस्तों इनके बारे में कहा जाता है कि इनका बिहेवियर बहुत हद तक ज़ेब्रा की तरह होता है, लेकिन बॉडी इनकी इक्वेट जैसी होती है। ये वैसे तो बड़े ही शांत नेचर के जानवर होते हैं, लेकिन गुस्सा आने पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों आप देख भी सकते हैं इनके शरीर पर कभी भी ज़ेब्रा की तरह पूरा मार्किंग यानी कि लाइन नहीं होती, ये बस आधे अधूरे लाइन के साथ पैदा हुए जानवर हैं। कोस्टारिका में सबसे पहले इस तरह की क्रॉस ब्रीडिंग की शुरुआत की गई थी जो कि काफी सफल रहा था, और उसके बाद से ये क्रॉस ब्रीडिंग लगातार चलता हुआ आ रहा है। दोस्तों ज़ेब्रा के साथ कई जानवरों की भी क्रॉस ब्रीडिंग की गई है और सबके सब सफल एक्सपेरिमेंट रहे हैं। जैसे कि ज़ेब्रा और हॉर्स के क्रॉस ब्रीड को ज़ॉर्स कहा जाता है, वैसे ही ज़ेब्रा और डोंकी के क्रॉस ब्रीड को ज़ोंकी कहा जाता है। मंकी एंड ह्यूमन नेचुरल सेल्स। दोस्तों येल यूनिवर्सिटी अमेरिका ने एक बार रिसर्च करने के लिए बंदर के शरीर में इंसान का सेल डाला। हालांकि इनको लेकर बहुत तरह की बातें हुई, लेकिन अंत में इसका नतीजा पॉजिटिव आया। दरअसल इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन 5 बंदरों को ही चुना गया जो कि किसी खास तरह की मेंटल बीमारी से जूझ रहे थे। दोस्तों जब इन बंदरों में इंसानों का सेल्स डाला गया तो इस बात का खास ख्याल रखा गया कि ये बंदर अपना बिहेवियर न चेंज कर दें। लेकिन अंत में ह्यूमन सेल्स की मदद से और इंसानों की दवाई इंजेक्ट करने से ये 5 बीमार बंदर ठीक हो गए और येल यूनिवर्सिटी अपने मकसद में कामयाब हो गई। हालांकि इस क्रॉस ब्रीडिंग को लेकर येल यूनिवर्सिटी के ऊपर बहुत तरह का दबाव था, लेकिन कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। यूनिवर्सिटी अपने मकसद में कामयाब रही, हालांकि ये बात भी सच है कि उसके बाद भी कभी भी इस तरह का प्रयोग हमें देखने को नहीं मिला। वैसे कहते हैं कि इस प्रयोग में कई तरह की चीजों का इस्तेमाल किया गया था। जी हाँ, माना जाता है कि ये सबसे बड़ा हाइब्रिड प्रयोग था। दोस्तों लेकिन आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर में इस तरह के हाइब्रिड को बनाया क्यों जाता है। दोस्तों इसके पीछे बहुत सारी लॉजिक भी दी जाती है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि साइंस जानना चाहता है कि क्या अलग अलग दो जानवर जब मिलन करते हैं तो कोई ऐसा जानवर हमारे बीच आ सकता है जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए अच्छा हो सके। किलर बी। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें कि इनका नाम किलर बी इसलिए रखा गया क्योंकि ये बड़े ही खतरनाक होते हैं और उससे भी ज्यादा ये एग्रेसिव होते हैं। ये इंसानों पर हमला भी करते हैं और हर साल अमेरिका में 2 लोग इनके काटने से मारे जाते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि एक बार 1957 में साउथ अफ्रीका में पाए जाने वाले बी को यूरोपियन बी के साथ जब क्रॉस ब्रीडिंग कराई गई तो जाकर किलर बी आए। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बिल्कुल साफ था और कॉन्सेप्ट ये था कि जैसे भी हो एक ऐसे बी को दुनिया में लाने की जरूरत थी जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हनी निकाला जा सके। जी हाँ दोस्तों, यूरोप के साइंटिस्ट अपने मकसद में सफल हो गए और किलर बी को बनाने में सफलता पाई। ये वाकई में दूसरे बी के मुकाबले ज्यादा हनी देते हैं और इंसानों के लिए काफी फायदेमंद है। लेकिन जब इन्हें गुस्सा आता है तो फिर मामला खराब हो जाता है क्योंकि ये ग्रुप में वार करने के लिए जाने जाते हैं।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।